बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही वायु गुणवत्ता के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पांच बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से पांच बड़ी खबरें हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से। शुरुआत हम करते हैं उत्तराखंड से, जहां के बारे में आपको बता दें कि कद्दूकस जगह पर ओले पड़ने की संभावना है, यानी कहीं कहीं ओलावृष्टि उत्तराखंड में हो सकती है। अगली खबर गंगे पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां पर कहीं कहीं पड़ सकते हैं ओले, यानी यहां पर कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो छुटपुट हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, एक तरह की चेतावनी है। कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश भी होने की यहां पर संभावना बनती नजर आ रही है। केरल के बारे में भी आपको बता दें कि यहां भी गिने चुने इलाकों में भारी बरसात का अनुमान है, यानी कुछ क्षेत्रों में यहां भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बताएं तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाओं के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी पांच बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न मौसम हालात इलाकों का मौसम देखते हुए वहां पर किस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है और कहां आपको सावधान रहने की जरूरत है, कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो आइए पूरे मैप पर हम नजर डालते हैं और इसमें जो क्षेत्र आप नारंगी रंग में देख रहे हैं वहां सावधान रहने की जरूरत है, यानी एक तरह की चेतावनी है। पीले रंग में जो क्षेत्र हैं वहां पर नजर बनाए रखें और जो क्षेत्र हरे रंग में देख रहे हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के साथ, जहां पर आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं और साथ ही ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। हमने पांच बड़ी खबरों में भी इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में यहां पर भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है और यहां भी कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है, सावधान रहे यहां किसान। और अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज हवाएं और साथ ही ओलावृष्टि यहां भी होने की संभावना है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपको बता दें गरज चमक के साथ काफ़ी तेज़ कहीं कहीं बारिश हो सकती है, काफ़ी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसी तरह की असम में भी हालात बन रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी बारिश होने के साथ साथ कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये तमाम जगह देख रहे हैं जहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इसी तरीके से उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। अगर हम ऊपर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। ऐसे ही हालात यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी ऐसे ही हालात रहेंगे। तो ये तो बात हुई मौसम अलर्ट की। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम विशेष तौर पर हम आपको बताते हैं बारिश की स्थिति क्या रहेगी। शुरुआत जम्मू कश्मीर के साथ करते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई जगह बारिश हो सकती है। लद्दाख में भी कई जगह बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बारे में एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश हो सकती है, कहीं कहीं खासतौर पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो ओलावृष्टि भी होने की संभावना और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर बरसात होने की संभावना है। तो जैसा कि आपने देखा जम्मू कश्मीर में कई जगह और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। असम, मेघालय में भी अनेक जगह पर बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा कई जगह पर बरसात की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें तमिलनाडु के बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इसी के साथ ही रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। भीती उत्तर कर्नाटक में कहीं कहीं हालांकि बारिश होने की संभावना है। भीती दक्षिण कर्नाटक में कई जगह बरसात हो सकती है। केरल में भी अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें हम बात करते हैं पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, साथ ही विदर्भ पर भी अगर हम नजर डालें तो कई जगह पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। वहीं राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगह बारिश हो सकती है। अगर हम मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और गुजरात की बात करें तो यहाँ भी देख रहे हैं आप कि कैसे हालात रहेंगे। आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, जिसमें शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। तो देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं, बारिश भी हुई है कहीं कहीं पर। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी ज़्यादातर इलाकों में बारिश हुई है। उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश
प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि बारिश हुई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बारिश के साथ तेज हवाएं चली और ओलावृष्टि भी यहां दर्ज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगह आप देख सकते हैं। मिजोरम में खासतौर पर बारिश के साथ काफी तेज हवाएं चली हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में काफी मूसलाधार बारिश भी दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी और साथ ही सिक्किम में भी बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें अगर हम खासतौर पर आपको बताएं तमिलनाडु के बारे में तो यहाँ भी आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चली है, ओलावृष्टि भी हुई है। इसी तरीके से पुडुचेरी में भी लगातार बारिश हो रही है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चली हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ओलावृष्टि हुई है तेज़ हवाओं के साथ। मध्य भारत में, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी गरज चमक के साथ काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं, बारिश हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ओलावृष्टि हुई है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं ओलावृष्टि हुई, तेज़ हवाएं चली हैं। विदर्भ में भी ओलावृष्टि दर्ज की गई है और मध्य महाराष्ट्र में भी ओले पड़े हैं। इसी तरीके से गुजरात में भी देख सकते हैं बारिश के साथ काफी तेज हवाएं चली हैं। तो ये तो बात हुई मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मौसम खबर। और मौसम खबर के इस भाग में आइए बात करते हैं कैसी स्थिति रहेगी तापमान की, यानी तापमान के हाल के बारे में आपको बताते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा, कहाँ नीचे रहेगा, और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान के बारे में जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान से, जिसमें हम खासतौर पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर नजर डाल रहे हैं। यह आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया जाएगा। आगे आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और अभी भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। और खासतौर पर पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तेज हवाएं चली हैं और ओलावृष्टि भी हुई है, बारिश की वजह से भी तापमान आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे आया है। आगे आपको बताते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा के बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ भी कम दर्ज किया गया है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा की ये तस्वीर है। और आइए अब आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही खासतौर पर जो मध्य भारत है हमारा, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें, साथ ही मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान नीचे लुढ़का है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालें तो जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से यहाँ पर भी कम दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ये तापमान में यहाँ पर भी कमी दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी तापमान में कमी दर्ज की गई है और ये कमी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज की गई है, यानी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की रेंज में यहाँ भीतरी उत्तर कर्नाटक में अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। आइए अब नजर डालते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया है, तो आप तमिलनाडु में यहाँ पर देख सकते हैं 37.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा तापमान जो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान के, जिसमें असम और मेघालय पर नजर डालते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नजर डाल लेते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, यानी यहां पर जो तापमान में पहले हम देख रहे थे कि गिरावट दर्ज की जा रही थी उसमें थोड़ा सा अब फर्क देख रहे हैं। और अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहां दिल्ली रिज में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल की, कहां कहां सामान्य से तापमान ज्यादा रहा, कहां कम रहा, इसके बारे में विस्तार से आपने जाना। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में कैसी स्थिति रही न्यूनतम और अधिकतम तापमान
इंसान की आई डालते नजर। तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। तो आइए नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है। राजधानी दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल काफ़ी अच्छी स्थिति है और एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पटना की बात करें तो यहाँ भी हालात पहले से काफ़ी सुधरे हैं। 137 एयर क्वालिटी पटना की, जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे की स्थिति आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी, 50 से नीचे है, जो कि बहुत अच्छी एयर क्वालिटी है, बहुत अच्छी स्थिति है। हैदराबाद में भी एयर क्वालिटी सुधरी है और ये भी 50 में है, यानी ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। यहाँ की भी एयर क्वालिटी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अहमदाबाद में भी आप देख रहे हैं सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर होने की वजह से संतोषजनक श्रेणी में है, हालांकि यहाँ की एयर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मुंबई में देख रहे हैं आप 63 है और ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति है, अच्छी यहाँ की वायु गुणवत्ता फिलहाल बनी हुई है। तो एयर क्वालिटी के बाद आइए बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी देश के जो मुख्य लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर कैसी रहेगी स्थिति अगले 4 दिनों में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं पहले 3 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हालांकि बीच बीच में धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन शनिवार आते आते यहाँ पर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहले 3 दिन बना रहेगा, लेकिन शनिवार आते आते बारिश के साथ 1 डिग्री सेल्सियस में तापमान में गिरावट हो सकती है और तापमान 7 डिग्री तक पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान बना रहेगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। जैसा कि हमने पूर्वानुमान में भी बताया था कि बुधवार और गुरुवार यानी अगले 24 घंटों में काफ़ी यहाँ पर बारिश हो सकती है, ऐसे हालात यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। और वहीं शुक्रवार शनिवार को मौसम थोड़ा सुधरेगा, लेकिन बादल छाए रहेंगे। तापमान आप देख रहे हैं काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पर बुधवार को 14 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाना चाहते हैं तो बुधवार को यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छी बारिश हो सकती है, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 34 डिग्री सेल्सियस, यानी थोड़ा मौसम सुधरेगा, और शुक्रवार और शनिवार आते आते अच्छा, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मौसम हो सकता है, खिली धूप रहेगी और तापमान भी आप देख रहे हैं कि धूप होने के साथ साथ इजाफा हो रहा है, 33 से 36 डिग्री सेल्सियस इन 4 दिनों में तापमान पहुँच सकता है। बिहार के गया जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बुधवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी, गुरुवार शुक्रवार शनिवार को अच्छी चटक धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में बना रहेगा, यानी तापमान में काफ़ी गिरावट और साथ ही आप देख रहे हैं कि इजाफा होता नज़र आ रहा है। बुधवार को 35 डिग्री सेल्सियस है और शनिवार आते आते जैसे जैसे धूप यहाँ पर बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है।
सिक्किम के गैंगटॉक जाना चाहते हैं तो बुधवार को गरज चमक के साथ यहां पर काफी बौछारें पड़ सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार शनिवार को फिर से बारिश यहां पर काफी होने की संभावना बनती नजर आ रही है। तापमान आप देख रहे हैं 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस यानी ज़्यादा उतार चढ़ाव तापमान में फिलहाल यहां पर अगले 4 दिनों में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो गैंगटॉक जाना चाहते हैं तो ज़रूर ध्यान रखें मौसम का। असम की अगर आप सिलचर जाना चाहते हैं तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन यहाँ पर अच्छी झमाझम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। असम में भी कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है और खासतौर पर सिलचर की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी बारिश होती है। बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों ही दिन मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो सकती है, तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। अगर आप तेलंगाना के निज़ामाबाद जाना चाहते हैं तो यहाँ भी ध्यान रखें कि यहाँ भी बारिश हो सकती है। बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन यहाँ पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा यानी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो चारों ही दिन मौसम एक जैसा ही रहेगा, हालांकि तापमान में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की संभावना, लेकिन कुल मिलाकर मौसम का मिजाज एक जैसा ही बना रहेगा। तमिलनाडु के ऊटी जाना चाहते हैं तो ज़रूर ध्यान दें कि बुधवार गुरुवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज़ बौछारें पड़ सकती है और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। शुक्रवार शनिवार को बादल छाए रहेंगे लेकिन धूप भी खिलती रहेगी। कुल मिलाकर 4 दिनों में आप देख रहे हैं कि पहले 2 दिन गरज चमक की स्थिति रहेगी लेकिन उसके बाद थोड़ा मौसम सुधरेगा और तापमान में भी ज़्यादा कोई बदलाव नहीं। 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बुधवार गुरुवार को अच्छी बारिश हो सकती है। शुक्रवार शनिवार को मौसम में थोड़ा सुधार होगा और बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी। अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहां पर अगले 4 दिनों में बना रहेगा। लेकिन पहले 2 दिन ध्यान रखें कि यहां पर बारिश हो सकती है, उसके बाद थोड़ा मौसम जरूर सुधरता हुआ नजर आ रहा है। और आइए बताते हैं आपको गुजरात के अहमदाबाद के बारे में। तो तापमान यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 39 से 40 के आसपास पहुँच रहा है यानी 39 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान है। बुधवार को 38 डिग्री सेल्सियस, बादल छाए रहेंगे लेकिन गुरुवार को जहाँ धूप काफ़ी रहेगी तापमान में भी 1 डिग्री से इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। शुक्रवार शनिवार को बादल छाए रहेंगे। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जानते हैं खेती किसानी हमारी ऐसी रिपोर्ट है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान वैज्ञानिक सलाह को आधार बनाकर कृषि कार्य अगर आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें अच्छा लाभ हो सकता है। खासतौर पर देश के विभिन्न हिस्सों में जो फसलें ली जाती है वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हम आपको ये सलाह देते हैं। तो आइए जानते हैं आज किन क्षेत्रों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में मक्के की बुआई कर ले, किसान अदरक की रुपाई कर सकते हैं, साथ ही हल्दी की रुपाई करें। यहां उड़द के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। इसके अलावा मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। अभी प्याज की खुदाई करने का समय उपयुक्त है, वहीं किसान लहसुन की खुदाई करें। जम्मू कश्मीर में टमाटर की रुपाई कर ले, इसी तरह लाल मिर्च की रुपाई करते रहें। यहीं पर बैंगन की रुपाई कर सकते हैं, इसके साथ ही शिमला मिर्च की रुपाई करें। जम्मू कश्मीर में भिंडी की बुआई कर ले, किसान मटर के खेत में निराई कर सकते हैं, वहां धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। हरियाणा में कपास की बुआई करें, कपास के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहीं मूंग की बुआई कर ले, मूंग के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा ज्वार की बुआई के लिए सही समय है। किसान गन्ने की रुपाई कर सकते हैं, इस समय टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें, साथ ही शिमला मिर्च के खेत में भी सिंचाई कर ले। हरियाणा में प्याज के खेत में सिंचाई करें, किसान कद्दू के खेत में निराई कर सकते हैं, वहां कद्दू के खेत में सिंचाई करते रहें। कद्दू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में कद्दू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए आपको बताते हैं आज की फसल के बारे में, जिसमें हम आपको एक फसल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। और आज इसी कड़ी में हम आपको जानकारी देने वाले हैं हल्दी के बारे में। जी हाँ, हल्दी अपने औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती है, एक मुख्य मसाला फसल के तौर पर भी हमारे देश में ली जाती है और भारत की हल्दी विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। तो अगर आप हल्दी की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए उससे जुड़ी विशेष रिपोर्ट। हल्दी की पैदावार, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत सबसे ऊपर है।
कुल उत्पादन का 80% हमारे देश में ही होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा 60% हल्दी आंध्र प्रदेश में उगती है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर है। ओडिशा और झारखंड में भी इसकी खेती की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मसाला फसल है। इसे गर्मी के मौसम में भी उगाया जाता है और मॉनसून में भी। खरीफ मौसम में ये सबसे उपयुक्त फसल है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में की जा सकती है खेती। हल्दी को 4.5 से 7.5 पीएच वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऊसर और क्षारीय जमीन इसके लिए सही नहीं है। केरल और पश्चिमी तट वाले हिस्सों में अप्रैल और मई के दौरान इसकी बुआई हो जाती है। एक हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद की जरूरत होगी। कंद स्वस्थ और उसका वजन 25 ग्राम के आसपास हो। मात्र प्रकंद को 2 टुकड़ों में बांट लें, जबकि द्वितीयक प्रकंद के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बनाएं। बीज को लगाने से पहले भीगे पुआल में रखें, इससे उनमें अंकुरण होगा और खेत में जल्दी जमेंगे। हल्दी की बुआई नाली बनाकर की जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई और गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। नाली में मिट्टी, ट्राइकोडर्मा युक्त कंपोस्ट और रासायनिक खाद को अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकंदों को रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। नाली जमीन से नीचे रहनी चाहिए, ताकि गर्मियों में पानी देने में आसानी हो और बरसात में इस पर मिट्टी चढ़ा दी जाए। बुआई करते समय आंख को ऊपर की ओर रखें। बुआई के बाद सिंचाई करके पलवार कर दें। एक हेक्टेयर हल्दी को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दें। खेत की तैयारी के दौरान फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा देनी है। 45 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा दे दें। बुआई के 90 दिन बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा भी दे दें। बुआई के 60, 120 और 150 दिनों पर निराई गुड़ाई करनी होगी। मई में बुआई करेंगे तो फसल में 3-4 सिंचाई करनी होगी, जबकि बरसात की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे खेत में जल जमाव ना होने पाए। आप चाहे तो हल्दी के साथ अंतर फसल के रूप में मिर्च, प्याज, बैंगन, मक्का और रागी लगा सकते हैं। अंतर फसल में हल्दी की हर 2 कतारों के बाद इनमें से किसी भी फसल की 1 कतार लगाएं। तो ये थे हमारे आज की फसल, जिसमें हमने आपको हल्दी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube चैनल पर देखें मौसम खबर। उम्मीद करते मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान। सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आप कौन है? जी मैं मुकुंद। मुकुंद, ये बोर्ड कैसे फेंका हुआ यहाँ पे? मैनेजमेंट के कहने पर उतारा है। हाँ जी, पैसे के जोर पर क्लब के ये नए बने हुक्मरान मुझे नौकर साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं मानता मैं ऐसे खोखले कायदे कानूनों को। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। बैगन नाम लेता बीच में, जान ले लूंगा तेरी मैं। शट अप, यू आर फायर। तूकता मैं तेरी नौकरी पर। टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री 75 years down, especially at this Amrut Mahotsav samay, what is it that you would like to tell them and why should they be interested in active public life? Intellectual jo padhe likhe log hain, ladke hain, bacche hain, jinko ki nayi nayi technology pata hai, naye courses pata hai, naye evolutions pata hai, yadi wo rajneeti mein nahi aayenge ya isme interest nahi lenge
तो मुझे लगता है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि एक ऐसा देश बनाए जो कि कोई भी जो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे वो यूएस है चाहे यूके है, उसको हम मात दे पाएं। भारत के अनाजों की लगातार तारीफ होती आई है और ऐसे में हम 2023 में पहुंच गए हैं श्रीयन। कि आज की युवा पीढ़ी हमें क्या बताती है कि मोटा अनाज कितना फायदेमंद। मैं खुद पिछले एक महीने से आटा जो गेहूं है छोड़ के मिलेट्स खाना शुरू कर दिया है। इस बार जो है एक बीघे में जो है हम अपना मोटा अनाज इस बार पैदा करेंगे। भारत जो है मोटे अनाज में नंबर वन है। कि अब हम सारा परिवार कई चीजें मिलेट्स की हम लोग अपने डेली रूटीन में हम लोग सभी प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से देखिए मोटे अनाज पर चौपाल चर्चा 4 मई गुरुवार सुबह 9 बजे। दूरदर्शन पर छाएगा फिल्मों का इंद्रधनुष, अब सब पर चढ़ेगा फिल्मी बुखार। टोटल 3 बार इश्क किया और तीनों बार ऐसा इश्क मतलब जानलेवा इश्क, मतलब घनघोर अथवा हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। देखिए बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में जिन्होंने रचे कामयाबी के नए कीर्तिमान। देखिए बॉलीवुड टॉकीज विद अनु कपूर हर रोज दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। Our guest today on this special episode of The Journey. ये जो बेस माननीय प्रधानमंत्री बना रहे हैं। You are born to make a difference. Your program says it's a journey. It's the startup India. Do not go abroad. 10 more years. 75 years into India's vibrant democracy. This clearly is a story that needs to be unfolded. Please watch The Journey, Indian Parliamentarians in Conversation with Shaina NC. खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, पांच सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। हम अपने प्रिय पुत्र का नाम टिकेंद्रजीत सिंह रखते हैं। हम यहाँ अपने नए राजा का चुनाव करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा मत राजकुमार टिकेंद्र सिंह को ही जाता है। टिकेंद्र जी कितना एरोगेंट है, उसकी वजह से हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है। हम स्वराज के लिए अवश्य लड़ेंगे, फिर चाहे जीत मिले या मौत सहर स्वीकार है। बांग्ला को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो। महायुद्ध होगा। चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी। तुमने किचन में गिरा दिया। एडजस्ट कर ले किचन के साथ थोड़ा सा। चोर 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 है ऊपर छत पे।
हीत और विशु की ये हिट स्टोरी जिसमें एक लव स्टोरी बनने के पूरे पूरे आसार। जानने के लिए देखिए एक नया शो दूर से नमस्ते।